यवतमाल जिले के दीगरा शहर में गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी बुधवार को कच्ची चौक पर आयोजित रक्त गुट जांच शिविर में 172 लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फोरम की ओर से आयोजित कर प्रशंसा बटोरी है। दीगरा शहर के कच्ची चौक पर आयोजित ब्लड ग्रुप जांच शिविर को परिसर के नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिसाद दिया। भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर यह शिविर आयोजित किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फोरम की इस पहल को लोगों का उम्दा प्रतिसाद मिला। यहाँ दोपहर करीब 2 बजे से शाम तक दिन भर में 172 लोगों ने पहुंचकर अपना ब्लड ग्रुप की जांच की। गौरतलब है कि यहाँ ब्लड ग्रुप जांच के बाद लोगों को तत्काल ब्लड ग्रुप पहचान पत्र जारी किए गए। इस कार्यक्रम के आयोजन पर फोरम के सक्रिय पदाधिकारी अरबाज धारीवाला ने दी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फोरम द्वारा भारतीय स्वतंत्रता स्वर्ण महोत्सव व स्वतंत्र सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या जयंती निमित्त आज भव्य रक्तगट तपासणी शिबिर आयोजित केलेला आहे। आज राज्यामध्ये व जिल्ह्यामध्ये जे रक्ताची कमतरता भासत आहे त्या उद्देशाने एक 9 रक्तदात्यांमध्ये प्रोत्साहन निर्माण झाला पाहिजे व बहुतांश लोकांना आपला रक्तगट माहीत नसते, याकरिता आम्ही एक रक्तगट तपासणी शिबिराचा आयोजन करण्यात आलेला आहे। बहरहाल दीगरस के तहसीलदार सुधाकर राठौर इस मौके पर कार्यक्रम अध्यक्ष के तौर पर उपस्थित थे। वहीं पुलिस निरीक्षक पांडुरंग फाड़े, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रामदास बनगिनवार, अंजुमन उर्दू शिक्षण संस्था के सचिव सज्जू पहलवान, मजहर खान, पीपी पप्पू वाले, मुरलीधर कामले, आसिफ नागानी, फिरोज खान, गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल के उपाचार्य शरीफ शेख, आमिन चौहान, बालाजी बैंक सचिव यशवंत सुरवे पाटिल, पूर्व सैनिक प्रकाश नालमवार, पैथोलॉजिस्ट मनोहर राठौर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बीसीएन न्यूज के लिए दीगरस से जुबेर खान की रिपोर्ट।